यहाँ पर काफी देर तक कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थरबाजी कर दी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए पुलिस पर किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है वो सर आप देखिए। बीजेपी कार्यकर्ता इतने उग्र हो गए कि पुलिस को भी नहीं छोड़ा, पत्थरबाजी वहां पर की गई। बीजेपी के झंडे से जूता पोछने पर मारपीट वहां पर हुई है। ये देखिए बीजेपी के झंडे से जूता वहां पर पोछ लिया, उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिसकर्मियों को ही पीट दिया। मारपीट के बाद बूथ पर लाठीचार्ज हुआ है, हंगामा वहां पर हुआ। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं अकबरपुर के बूथ संख्या 369 का। ये पूरा मामला है, देखिये जरा पुलिस किस कदर पीट रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो जरा आप देखिए। ऐसी स्थिति आखिर क्यों हो गई, देखिये जरा टोपी उछाल दी है। देखिये जरा पुलिसकर्मी के साथ मारपीट यहाँ पर की जा रही है। उग्र हो गए, नाराज हो गए बीजेपी के कार्यकर्ता, तो फिर इस कदर हावी हो गए पुलिसकर्मियों पर। देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे, पत्थरबाजी वहां पर की गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको जौनपुर पोलिंग बूथ की दिखा रहे हैं, जहां पर मारपीट हंगामा हुआ। और ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ भारत समाचार पर ही आप देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर हमने आपको दिखाई और लगातार ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए, क्यों मारपीट पर उतारू हो गए, क्यों आखिर हंगामा वहां पर हो गया, वो तस्वीर आपके सामने है। मारपीट के बाद बूथ पर भी लाठीचार्ज किया गया, हंगामा वहां पर हुआ, पुलिस की टोपी तक उछाल दी है देखिएगा। और ये मामला तब आगे बढ़ा जब बीजेपी के झंडे से जूता पोछ दिया गया, उसके बाद नाराज हो गए बीजेपी के कार्यकर्ता। चाहते तो मामला शांति से भी सुलझ सकता था, निपटाया जा सकता था, शांति से सुलह हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर ये रास्ता अख्तियार किया बीजेपी के कार्यकर्ता ने। आप देखिए मारपीट की गई और पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस के साथ भी मारपीट की गई है। और ये हंगामे की तस्वीर, काफी देर तक वहां पर हंगामा होता रहा और अलग अलग थानों से भी अलग अलग जगहों से भी पुलिस वहां पर मंगवाए गए पुलिसकर्मी, लेकिन काफी देर तक जो हंगामा वहां पर हुआ है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस के साथ मारपीट, पुलिसकर्मियों को भी नहीं छोड़ा गया। हेमंत जी अपनी बात भी आप पूरी कीजिएगा, लेकिन ये तस्वीर है सबसे पहले, इसको लेकर आपका एक रिएक्शन सर कि बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे। इस बात की प्रबल आशंका थी कि इस इलाके से मेरा मतलब ये अवध और पूर्वांचल के इलाके में चुनाव हो रहा है, और यहाँ एक बात हमेशा देखी गई कि यहाँ जातीय व्यवस्था के नाते पहले तो बहुत ज्यादा हिंसा हुआ करती थी, लेकिन हमें एक बात की खुशी है कि चुनाव आयोग की कोशिशों के नाते इधर अभी तक जितना चुनाव हुआ है या पुलिसिंग की बेहतरी आप कह सकते हैं, आपने मारपीट हिंसा की कोई एक घटना किसी को नहीं याद होगी, यहाँ पैनल जितने लोग बैठे हैं या पूरे प्रदेश में नहीं याद होगी। लेकिन चूंकि एक बात जान लीजिएगा कि यह ऐसा इलाका है जहां संवेदनशील बूथों की और अतिसंवेदनशील बूथों की अच्छी खासी संख्या रही है, और जाति आधार पर यहां वैमनस्य पहले से होता रहा है। जौनपुर में तो खुटाना ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, ऐसा असेंबली सेगमेंट रहा है जहां एक जमाने में आज से 25 साल पहले 30 साल पहले पूरे 50-50, 60-60 गांव में बूथ कैप्चरिंग होती थी। और वहां कितनी हत्याएं हुई हैं, कितने लोग